सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण की आर्ट की दुनिया में। सो गाइज, कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि दोस्तों लगभग एक महीने से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। मैं अपलोड करता था सिर्फ शॉर्ट्स, क्योंकि दोस्तों मेरे पेपर्स आ गए थे और पेपर्स के बीच में वीडियो बनाकर अपलोड करना तो इम्पॉसिबल था। शॉर्ट्स एक मिनट की होती है और मैं वो छट से बनाकर फट से अपलोड कर सकता था। लेकिन दोस्तों अब मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों बात करते हैं अपने आज के इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दिन हमारे भारत को आज़ादी मिली थी। तो दोस्तों 15 अगस्त के दिन लगभग सभी स्कूलों में कार्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन तो होता ही होता है। और दोस्तों कार्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन हो और मैं आपको कार्ड बनाना ना सिखाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ इंडिपेंडेंस डे पे कार्ड पेपर से, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिशन जीतना चाहते हो तो आप पूरी मेहनत से वो कार्ड बनाना, मैं भी आपको पूरी मेहनत से वो बनाना सिखाऊंगा। और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस कार्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन के प्राइज़ को जीतने के। तो दोस्तों आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना, मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा आपको सिखाने में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते अपना आज का वीडियो। सो गाइस, इंडिपेंडेंस डे पे कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वाइट कलर का पेपर ले लेना है। और दोस्तों इस वाइट कलर के पेपर को आपको बीच से आधा फोल्ड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक और पेपर लेना है, आप चाहे तो अपनी कोई भी फेवरेट कलर का पेपर ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये पेपर दूसरे पेपर से चारों साइड से थोड़ा थोड़ा छोटा हो। फिर दोस्तों आपको इस ग्रीन कलर के पेपर को बीच से आधा फोल्ड कर देना है और फिर अच्छे से इसे मार्क कर देना ताकि एक निशान बन जाए। और दोस्तों फिर आपको इस ग्रीन कलर के पेपर के ऊपर एक केक जैसा डिज़ाइन बना देना है, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ना है, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना है और ऊपर की तरफ 4 सेंटीमीटर बढ़ाना है, ऊपर की तरफ 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, नीचे 2 सेंटीमीटर और उस साइड से भी नीचे 2 सेंटीमीटर, और फिर दोनों लाइनों को आपस में कंबाइन करना है। फिर ऊपर 2 सेंटीमीटर, ऊपर 2 सेंटीमीटर, साइड 2 सेंटीमीटर, साइड 2 सेंटीमीटर और फिर नीचे 2 सेंटीमीटर, नीचे 2 सेंटीमीटर और फिर दोनों लाइनों को कंबाइन, फिर ऊपर 2 सेंटीमीटर, ऊपर 2 सेंटीमीटर और दोनों लाइनों को कंबाइन, और हमारा केक का डिज़ाइन बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। तो अभी तक तो आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, तो चलिए आगे का कार्ड हम बना लेते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो साइड में हमने लाइंस बनाई हैं उनको आपको काट देना है। आप चाहे तो इसे कटर की मदद से भी काट सकते हैं या सीज़र की मदद से भी काट सकते हैं। ये जो जितनी भी साइड्स में लाइन है इनको आपको काट देना है। और दोस्तों अगर आपसे नहीं करते तो आप किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं इनको काटने में। सो गाइस, अब आगे का हिस्सा बनाना है। आगे का हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्केल ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्केल को, जो हमारा केक का सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसमें एक साइड से घुसाना है और दूसरी साइड से निकाल देना है। फिर दोस्तों हमें स्केल को खड़ा करना है और जो हमारे पेपर पर लाइन है उसके नीचे स्केल को रखना है और फिर ऊपर से हमें पेपर को दबा देना है, जिससे जो हमारा पेपर है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और बाहर की तरफ उभर जाएगा। दोस्तों आपको पेपर को आराम आराम से दबाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है। फिर दोस्तों स्केल को निकाल कर हमें दूसरे वाले बॉक्स में घुसाना है और दूसरे वाले बॉक्स में घुसा कर भी हमको बिल्कुल सेम करना है जैसे हमने पहले बॉक्स में किया था। हमें स्केल को खड़ा कर ऊपर से पेपर को दबाना है और फिर दोस्तों हमें स्केल को निकाल देना है और तीसरे वाले बॉक्स में घुसा कर बिल्कुल सेम करना है। हमें वापस स्केल को घुसा कर दूसरे साइड से निकालना है, उसके बाद खड़ा करना है और ऊपर से पेपर को दबा देना है। दोस्तों इसे करने से जो हमारा केक है वो बाहर की तरफ उभर जाएगा और जब हम पेपर को खोलेंगे और बंद करेंगे तो जो हमारा केक है वो भी इसके साथ खुलेगा, बंद होगा। तो दोस्तों आपको अपने हाथ यूज़ करना है और अपने हाथों की मदद से जो हमारा पेपर है उसे भी अच्छे से फोल्ड कर देना है। और दोस्तों जो हमारे साइड में लाइन से पेपर के उन्हें भी आपको फोल्ड करना है, जो ऊपर वाले 2 लाइन्स हैं उनको अंदर की तरफ और जो बीच वाला लाइन है उनको बाहर की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा पेपर है उसे आपको बंद कर देना है और फिर दोस्तों जब हमारा पेपर है उसे जब आप बंद करोगे और फिर बंद करने के बाद जब आप इसे खोलोगे जो हमारा केक है वो भी पेपर के साथ साथ खुलेगा, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अब हमें इस पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर चिपका देना है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर चिपका दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हमें स्केल लेकर वापस वही करना है, एक तरफ से घुसाना, दूसरी तरफ से निकालना और पेपर को फोल्ड करना है। और दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो ग्लू है वो पेपर के साइड साइड में लगाओ, बीच में ना लगाओ, और फिर पेपर को चिपकाओ। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्केल की मदद से वापस पेपर को फोल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसे चिपकाया था तब ये पेपर जो था वो मतलब कि पूरा प्लेन हो गया था, तो इसलिए हम वापस इसे कर रहे हैं ताकि पेपर में वापस से फोल्ड आ जाए। तो दोस्तों जो अब हमारा केक है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब जब हम पेपर को बंद कर रहे हैं और फिर जब हम खोल रहे हैं तो जो हमारा केक है वो भी अच्छे से निकल रहा है, ये आपको दिख ही रहा होगा सामने में। सो गाइस अब हमें अपने कार्ड का आगे का हिस्सा बनाना है। तो आगे का हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फ्लैग ले लेना है जो कि हमारे इंडिया का फ्लैग है। ये फ्लैग दोस्तों मैंने पेपर से बनाया है। दोस्तों इस फ्लैग को हमें हमारे केक के टॉप लेयर पे चिपकाना है। और दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्लैग है वो इस पेपर से ऊपर ना जाए, और अगर आपका फ्लैग बाई चांस ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप इसके डंडे को नीचे से काट भी सकते हो। और दोस्तों जो हमारा फ्लैग है उसके पीछे आपको यहाँ पे ग्लू लगाना है और फिर जो हमारा केक है उसके टॉप लेयर पे चिपका देना है। और अगर ये फिर भी नहीं चिपक जाए तो आप टेप की मदद भी ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फ्लैग चिपका दिया हुआ है। तो जब हम अपने कार्ड को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं तो जो हमारा फ्लैग है वो भी केक के साथ उठ रहा है और नीचे जा रहा है। तो दोस्तों अब हमें आगे का हिस्सा बनाना है। तो आगे का हिस्सा बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज पेपर लिया है। ऐसे आपको टोटल 6 पेपर्स ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पेपर को आपको आधा फोल्ड कर देना है और फिर दोस्तों इस पेपर को आपको वापस से एक और बार आधा फोल्ड करना है। और फिर दोस्तों आप फोल्ड करने के बाद आपको इस पेपर को पूरी तरह से खोल देना है और फिर दोस्तों इस पेपर को आपको आगे पीछे करके फोल्ड करना है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। जैसे कि आप हो सकता है पंखा भी बनाते हो, आपने कभी बनाया होगा शायद से, तो ऐसे ही आपको फोल्ड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऐसे ही टोटल 6 पेपर्स ले लेना है जो कि यहाँ पे मैंने ले लिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 ऑरेंज, 2 ग्रीन, 2 वाइट पेपर्स लिए हुए हैं। दोस्तों आपको इन सभी पेपर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, दोनों में ऑरेंज, ग्रीन और वाइट होने चाहिए। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों ग्रुप्स को आपस में चिपका देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चिपका दिया हुआ है और ये एक बहुत ही बड़ा पेपर हो चुका है। तो दोस्तों फिर से आपको वैसे ही फोल्ड करना है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही आपको इसे फोल्ड कर देना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने पेपर्स को फोल्ड कर दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें इस पेपर्स को हमारे कार्ड के अंदर होने हिस्से में चिपकाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ग्लू लगाना है और फिर यहाँ पे इसे चिपकाना है और फिर ऊपर ग्लू लगा के हमें कार्ड को बंद करना है और इसे चिपका देना है, और दूसरे पेपर को भी हमें ऐसे ही चिपका देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पेपर को चिपका दिया हुआ है। अब जब हम अपने कार्ड को खोल रहे हैं तो ये पेपर्स भी उसके साथ खोल रहे हैं जो कि देखने में और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों अब हमें और आगे का हिस्सा बनाना है। तो आगे का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मोड़ ले लिया है। दोस्तों ये मोड़ मैंने पेपर से बनाया है, मैंने ब्लू कलर के पेपर पर इन्हें बनाया और फिर काट लिया और फिर व्हाइटनर से इन पर डॉट डाल दिया। अगर आपको ये बनाना है तो आप स्क्रीन शॉट भी मार सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन शॉट मार लिया होगा आपने। तो अब हमें इन मोड़ को अंदर चिपकाना है। तो दोस्तों ये जो 2 साइड में हमने पेपर चिपकाए हैं इनके बीचों बीच हमें इन पीकॉक्स को चिपकाना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाना है और फिर इसे चिपका देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इन पीकॉक्स को अच्छे से चिपका दिया हुआ है, और जब हम अपने कार्ड को खोल रहे हैं तो पीकॉक्स भी उनके पेपर के साथ ही ऊपर आ रहे हैं जो कि देखने में और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे बीच में आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 फ्लावर्स ले लिए हैं। ये बनाकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ये लगभग सभी लोगों को बनाना आता है। तो ये फ्लावर्स दोस्तों आपको हमारे कार्ड के ऊपर वाले हिस्से में ऐसे करके चिपका देना है, नीचे ग्लू लगाकर आपको इन्हें ऊपर में चिपका देना है। तो दोस्तों जो हमारा फ्लावर्स है मैंने उन्हें अच्छे से चिपका दिया हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा, और जो फ्लावर्स है वो भी देखने में और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अब जो हमारे कार्ड का ऊपर वाला हिस्सा है उन्हें हमें अच्छे से सजाना है। तो दोस्तों ऊपर वाला हिस्सा सजाने के लिए सबसे पहले हमें एक पेपर ले लेना है ग्रीन कलर का। उसके बाद दोस्तों इस पेपर को हमें रोल रोल करके फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद हमें इसे कोन बना लेना है, और कोन बनाने के बाद हमें यहाँ पे ग्लू लगाना है और इसे चिपका देना है ताकि ये कोन शेप में ही रहे। दोस्तों आपको ऐसे ही टोटल 6 कोन्स बनाने, ऑरेंज वाइट और ग्रीन, ऑरेंज वाइट और ग्रीन, यानी कि ऑरेंज 2, ग्रीन 2, वाइट 2, ऐसे आपको टोटल 6 कोन्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 3 कोन्स बना लिए हुए हैं, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हमारे कार्ड के कोने में ऑरेंज पेपर चिपकाना है, ऑरेंज कोन चिपकाना है, फिर वाइट, फिर ग्रीन, और ऐसे ही हमारे कार्ड के नीचे वाले हिस्से में भी 3 कोन चिपकाना है, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, जो कि यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं।
पहले हमें ऑरेंज चिपकाना है, फिर वाइट चिपकाना है और फिर ग्रीन चिपकाना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे चिपका देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने हमारे कोन्स को चिपका दिया हुआ है। अब दोस्तों आपको एक और ऑरेंज पेपर लेना है और उसे आधा फोल्ड कर देना है बीच से। और दोस्तों आपको ऐसे दो और पेपर ले लेना है वाइट और ग्रीन कलर के। तो टोटल हमारे पास ऑरेंज, वाइट और ग्रीन हो चुका है। तो इन तीनों को आपको आपस में चिपका देना है जैसे मैंने यहाँ पर चिपकाए हुआ है, आपको दिख ही रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इन पेपर को आधा फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद आपको इसे वापस से खोलना है। और खोलने के बाद हमारे कार्ड के ऊपर वाले हिस्से में आपको इधर ऐसे करके इन पेपर्स को अच्छे से चिपका देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इन पेपर को अच्छे से चिपका दिया हुआ है। अब दोस्तों इनके ऊपर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे दो अशोक चक्र लिए हुए हैं जो हमारे तिरंगे के बीचों बीच होते हैं। तो ये अशोक चक्र हम इन जो हमने तिरंगा जैसे लगाया पेपर से इनके ऊपर वाले हिस्से में चिपका देना है। तो दोस्तों आपको इन्हें चिपका देना है ग्लू की मदद से। तो यहाँ पे मैंने इन अशोक चक्र को चिपका दिया हुआ है। अब दोस्तों जो हमारा राइट साइड वाला अशोक चक्र है उन्हें आपको हल्के से दबाना है जिससे कि जो हमारा अशोक चक्र है वो अच्छे से मतलब उसमें फिट हो जाए हमारे पेपर में। तो दोस्तों जो हमारा अशोक चक्र है वो अच्छे से चिपक चुका है हमारे पेपर के साथ और जो हमारा कार्ड है वो भी अच्छे से चिपक चुका है। तो दोस्तों जो हमारे कार्ड का बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो अपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में, जो कि यहाँ पे मैंने लिख लिया हुआ है। तो दोस्तों जो हमारा कार्ड है वो लगभग बनकर रेडी हो चुका है, यानी कि आप और डिटेल्स जानना चाहें तो और डिटेल्स जान सकते हैं। तो दोस्तों अपने आज के इस वीडियो में मैंने आपको बनाना सिखाया इंडिपेंडेंस डे पे एक ब्यूटीफुल सा कार्ड। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कार्ड अच्छी लगी मतलब अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारे इंडिपेंडेंस डे पे कार्ड। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ।